बादराबाद की वही जगह आलमगीर रोड जहाँ कल मैंने वजीर आला के खिलाफ एहतजाज का आगाज किया, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ सूरत हाल बेहतर है। यहाँ से पानी जो है सक्शन मशीन के थ्रू वाटर बोर्ड ने निकाल लिया और ट्रैफिक निस्बतन बेहतर है। मसला अभी भी वही का वही है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बल्दियाती मिनिस्टर सईद हनी का। हम जो भी तनकीद करते हैं वो इशू की बुनियाद पर करते हैं, कोई सियासत नहीं, कोई जातियात पर नहीं, बल्कि इशू नजर आता है उस पर तनकीद की जाती है। लेकिन जहाँ काम होता है वहाँ हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं। लेकिन ये सारी एहतजाजी मुहिम का मकसद क्या है? मकसद ये है कि क्या ये जरूरी है कि एक MNA आपको निशानदेही कराए तब मसाइल हल हो? क्या ये जरूरी है कि XCN के दफ्तर में MNA जाए, अवाम को कोई एक्सेस ना हो XCN वाटर बोर्ड तक, सिवरेज के अहदेदारों तक, सिवरेज के दफातर तक? एक MNA ही निशानदेही करके देगा। और फिर जो ये सिस्टम की कैपेसिटी है, इस शहर में 18 सिवरेज की गाड़ियां जो सफाई करती है, क्या 18 गाड़ियां 2.5 करोड़ की आबादी को के लिए काफी है? ये सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुहिम है। सईद हनी साहब और चीफ मिनिस्टर से मेरी ये इल्तिजा है, वाटर बोर्ड की कैपेसिटी बढ़ाए, इसका अमला बढ़ाए, इसकी मशीनरी बढ़ाए, वरना यह एहतजाज जारी रहेगा और आप तकलीफ में रहेंगे। शुक्रिया।